थोड़ा सा स्पेशल है मेरे लिए दोस्तों। आज के व्लॉग में पूरा बताने वाला हूँ क्या करने वाला हूँ और क्या होने वाला है, ये सब बताने वाला हूँ दोस्तों। तो अभी जो है यहाँ पर मैं रेडी हो चुका हूँ निकलने के लिए और वहाँ पर पहुंचकर आपको मैं अपडेट करूँगा। चलिए चलते हैं। इन BCN आपको मैंने बताया था कि एक सरप्राइज है कि आज बहुत अच्छा दिन है मेरे लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑफिस के पास मैं आ चुका हूँ और जो है हमारा जो यूट्यूबर का जो है यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है, तो ये जो इंटरव्यू है उसी के लिए यहाँ पर मैं आया था। नमस्कार, इन BCN के तमाम दर्शकों का मैं रत्नाकर स्वागत करता हूँ यूट्यूबर स्पेशल में। कई बातें हमारे जहन में आती है कि क्या आज की युवा पीढ़ी के सामने क्या क्या लक्ष्य है, क्या क्या उनके पास में संभावनाएं हैं, किस तरह से उन्होंने अपने करियर्स को आगे बढ़ाना है। तो एक जमाना था जब भी कोई हमें पूछता था कि भैया क्या बड़ा होकर क्या बनना है, तो बोलता था या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर। लेकिन जमाना भी काफी आगे निकल गया, अब लोगों के सामने ऑप्शंस बहुत हैं और कई है। तो ऐसे ही ये जो माहौल है, इस माहौल में आज के जगत में यूट्यूब, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है वो यूट्यूब देखता नहीं हो। ऐसे यूट्यूब के कुछ हीरोज हमारे संतरा नगरी में भी है, उनमें से एक आज हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है। मैं स्वागत करता हूँ निशान जी का। निशान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और हमारे दर्शक भी उत्सुक है आपको जानने के लिए। आप यूट्यूबर्स हैं, आपके अपने चैनल्स हैं, तो आपकी ये जर्नी जो है आप अपनी जुबानी हमारे दर्शकों को बताएंगे तो थोड़ा सा मजा आ जाएगा। ओके, सो गाइज, मेरा नाम है निशान शंबरकर। बेसिकली देखा जाए तो मैं नागपुर का ही हूँ। बाय क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए तो मैं हूँ एक पर्टिकुलर इंजीनियर। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने MTech किया है, उसके बाद मैंने जो है MCM किया है। तो ऐसा बोला जा सकता है कि जो दो मास्टर डिग्री और एक जो डिग्री मेरे पास है, उसके बावजूद भी जो है मैंने अपना जो है फ्यूचर जो देखा है वो मैंने एज ए यूट्यूबर यहाँ पर देखा है। सबसे पहले जो था, मैं यहाँ पर जो है टीचिंग में था, 5 साल मैंने टीचिंग किया। और जब मैं यूट्यूब पर आया था तो मैं एक जो है मोटिवेशनल स्पीकर यहाँ पर बनकर आया था। लेकिन ऐसा था कि मोटिवेशन के जब जो वीडियो मैं पब्लिश करता था तो ज़्यादा लोग वहाँ पर मुझे वॉच नहीं करते थे, तो मैं थोड़ा सा यानी सोच में पड़ गया कि कैसे क्या यहाँ पर जो है हम लोग आगे ग्रोथ कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करूँ कि कुछ अपने वीडियो में बदलाव करूँ। तो मैंने बेसिकली देखा जाए तो मैंने 10 जो वीडियो है अपने मोटिवेशन के बनाए, उसके बाद मैंने कुछ व्लॉगिंग की वीडियो बनाया। और जब मैंने व्लॉगिंग की वीडियो बनाया तो नागपुर के जो है नागपुर व्लॉगर के एज ए मैं वीडियो बनाता था। नागपुर की जितने भी यानी जो पर्टिकुलर पॉपुलर जो प्लेस थी, ये वीडियो मैंने यहाँ पर बनाया। तो धीरे धीरे मेरा जो वीडियो है उसमें वायरल होने लगे। अब वो जैसे वायरल होने लगे तो ऐसा करके मेरे जो है 3000 सब्सक्राइबर 9 महीने में यहाँ पर मेरे आ गए। और फिर उसके बाद जो था एक प्रोसेस था जिसमें हम लोग चैनल को मोनिटाइज कर सकते हैं, तो उसमें ऐसा हो गया था कि एक बदलाव आ गया था। बदलाव ये था कि आपको 4000 घंटे पूरे करने होते हैं जी। मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए थे और जो है 4000 घंटे पूरे होने के थे, तो मैं काफ़ी मेहनत उसमें करता था। फिर अचानक ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे बोला कि आप जो है सेकेंड हैंड व्हीकल्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो जो कामठी रोड का जो ट्रू वैल्यू है जिसमें सेकेंड हैंड कार मिलती है, तो उसका जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया और वो वीडियो मेरा सबसे ज्यादा वायरल हुआ। और वायरल होने के बाद मैंने देखा कि उसमें 30,000 व्यूज मेरे आ गए उसमें, और ज्यादा से ज्यादा जो है सब्सक्राइबर यहाँ पर गेन हो गए। फिर उसके बाद एक ऐसा था, यूट्यूब का एक अल्गोरिथम ऐसा बोलता है कि जब आपका जो कोई वीडियो अगर वायरल होता है तो वायरल होने के बाद अगर आप वैसे ही अगर वीडियो बनाना स्टार्ट करते हो तो आपके जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। तो ऐसा हुआ कि उस वीडियो के बाद मैंने जो है सेकेंड हैंड व्हीकल्स के जो है वीडियो यहाँ पर बनाना स्टार्ट किया। एक पर्टिकुलर सेगमेंट को चूज कर लिया और फिर आप उसको फॉलो करने लगे, जिसका आपको रिजल्ट भी अच्छा मिला, लोगों का इंटरेस्ट भी उसमें बढ़ा। तो यूट्यूब पे जब भी कोई आता है तो एक पर्टिकुलर नीश उसको मिलनी चाहिए कि आपको टॉपिक क्या है। कोई जैसे मैं जैसे स्टार्टिंग में मोटिवेशनल के स्पीकर का जो वीडियो बनाता था मैं, तो मोटिवेशनल के जो वीडियो थे उसमें ज्यादा रिस्पांस नहीं आता था। तो फिर मैंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर जो है ये जो मैंने स्टार्ट किया। आपकी इस जर्नी में अभी दर्शकों को आप ये भी बताइए कि आपके जो चैनल अगर देखने तो उन्होंने कहाँ जाना चाहिए, कैसे देखना? मेरा चैनल को आप सर्च कर सकते हो सीक्रेट बातें फॉर यू के नाम से। वैसे देखा जाए तो मेरे जो है 2 चैनल हैं। आप यूट्यूब पे जाओगे, सर्च में जाके लिखोगे सीक्रेट बातें फॉर यू, बातें की जो स्पेलिंग है BEET, तो आपको जो है फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगा मेरा चैनल। उसके बाद जो है मेरा सेकंड चैनल है नागपुर का निशान, जिसमें मैं जो है नागपुर से रिलेटेड पूरे ब्लॉग बनाता हूँ, तो उस चैनल को भी आप चेकआउट कर सकते हैं।
अभी सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज मेरा इंटरव्यू हो रहा है और आज मेरे जो है 70,000 सब्सक्राइबर बस होने वाले हैं। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये वीडियो जैसा अभी हमारा शूट हो जाए तो उसके बाद जो है वो 70,000 जो है हमारे सब्सक्राइबर यहाँ पर कम्प्लीट हो सकते हैं। निशांत जी, एक आपसे बात करते करते आपने बताया कि आपके पास में दो दो इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो एक होता है कि दो डिग्रियां लेने के बाद में हम सोचते हैं कि मुझे इन डिग्रियों का उपयोग करके मेरे करियर को इस आयाम पर लेके जाना है, और अभी आप यूट्यूबर हैं और आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, तो ये जो डिसीजन था कि इतना एजुकेशन लेने के बाद में मुझे उस दिशा में जाना है और उसके साथ में मुझे यूट्यूबर भी बनना है, तो ये डिसीजन लेने में कहीं कोई हिचकिचाहट या कोई तकलीफ हुई? देखा जाए तो स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जैसे मैं जॉब भी करता था उसके साथ वीडियो भी बनाता था, तो सबसे पहले तो यूट्यूब में मुझे ज़्यादा रिस्पांस नहीं आ रहा था, तो उस वजह से कैसे जॉब करना ही मेरे लिए सही उस समय था। लेकिन बाद में मैंने देखा कि यूट्यूब का जब मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हुआ और उस पर एड्स चलने लगी, स्टार्टिंग में कुछ कम एड्स चलती थी, लेकिन बाद में देखा मैंने कि काफ़ी अच्छी एड्स उसमें जो है चल रही थी और उससे काफ़ी अच्छा रेवेन्यू हो रहा था। उसके बाद जो अभी जैसे मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ जिसमें मैं कार बस ट्रक ऐसा बेच के देता हूँ लोगों को, तो इससे भी काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। तो मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि जॉब और इसके बीच में यूट्यूब ही मेरे लिए सबसे अच्छा यहाँ पर ऑप्शन हुआ है। घर वालों का क्या रिस्पॉन्स रहा? घर वालों का ऐसा था कि स्टार्टिंग में तो वो बोलते थे कि ये क्या कर रहा है, और मेरे फ्रेंड लोग बोलते थे कि यार तू इंजीनियर है तो तू ये सब क्या कर रहा है, और यूट्यूब पे आगे बढ़ने के लिए किसी बड़ी यूट्यूबर का हाथ चाहिए या तुम्हारा बैकग्राउंड वैसा चाहिए, और बहुत कुछ ऐसे बोलते थे, ताने देते थे। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मुझे इसी में आगे बढ़ना है, तो इस तरह से मैं जो है अपने हार्डवर्क करता रहा और 500 से ज़्यादा वीडियो मेरे जो है सीक्रेट बातें फॉर यू में बन चुके हैं। सीक्रेट्स बातें फॉर यू, आने वाले 5 साल का क्या सीक्रेट निशान का? सीक्रेट तो यही है कि एक्चुअली इसका नाम सीक्रेट बातें फॉर यू मैंने जब रखा था, तो अब जैसे बताया मोटिवेशन का जो मेरा जो चैनल था मोटिवेशनल, तो एक बुक है सीक्रेट बुक, तो वो जो सीक्रेट बुक के ऊपर मैंने वो जो है चैनल का नाम रखा था, और काफ़ी लोगों ने मुझे बोले कि चेंज भी कर दीजिए, लेकिन अभी ऐसा हो चुका है कि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है सीक्रेट बातें फॉर यू जैसे अगर आप डालते हो तो आपको पूरा चैनल वापस शो हो जाता है, इस वजह से मैंने चैनल चेंज नहीं किया। तो आने वाले 5 सालों में तो मैं यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन कर सकूँ और लोगों तक ज़्यादा जो है बातें पहुँचा सकूँ, नॉलेज पहुँचा सकूँ, बस यही मेरा एक लक्ष्य है। आपसे बात करते करते निशान जी, मैं भी थोड़ा सा लालची हो रहा हूँ और मुझे भी लगता है कि मैंने भी थोड़ा सा कुछ ऐसा कर लेना चाहिए, तो और मेरे जैसे कई युवा होंगे जो भी इस वक्त आपको देख रहे हैं उनके मन में भी होगा, कई लोगों ने प्रयास भी किए होंगे यूट्यूबर बनने के, तो सही दिशा क्या है यूट्यूबर बनने के लिए? सही दिशा तो ये है कि सबसे पहले तो आप अपना एक जो है टॉपिक चूज कर लीजिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। अब ऐसा होता है कि आप जो टॉपिक पे वीडियो बनाने जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये टॉपिक पे तो बहुत सारे वीडियो पहले से बन चुके हैं, तो आपको उस दिशा में पॉपुलर होने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको जो है एक्सपेरिमेंट उसमें करना पड़ेगा कि एक्सपेरिमेंट आप करते रहोगे, अलग अलग टाइप के वीडियो बनाते रहोगे, तो कोई ना कोई वीडियो आपका जो है यहाँ पर वायरल हो जाएगा और आपको अच्छी खासी यहाँ पर जो है ग्रोथ मिलेंगी और पब्लिक मिलेंगी। चलते चलते आप हमारे दर्शकों को, जो नई पीढ़ी है उनको मैं अगर आपको बोलूँ कि डूज एंड डोंट्स, तो इसमें क्या बताएंगे आप? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप यूट्यूब पर आ रहे हो तो पैसे को देखकर मत आइए, कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि दूसरे यूट्यूबर जो है आईफोन यूज करते हैं, कार में घूमते हैं, तो पैसे को देखते हुए अगर आप आओगे तो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाओगे, तो आप पैसे के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। अगर आपको आना है तो अपने पैशन के लिए आइए, और आप जो है ऐसा सोच के चलिए कि मैं कम से कम 5 साल यूट्यूब को दे देता हूँ, आप अपने 5 साल आप यूट्यूब को दोगे, आगे के जो 50 साल है यूट्यूब आपको संभाल लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि निशांत ने जो हमें गाइड दी है वो किसी तरह से का एक इन्वेस्टमेंट जो होता है कि हम अपना पैसा जो है वो किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट की रह रहे, तो ये अपने आप में कुछ टैलेंट भी हम लोगों के बीच में होता है। तो मैं ये जो समझ पा रहा हूँ निशांत की जुबानी, वो ये है कि हमारा टैलेंट अगर हमको यूट्यूबर बनना है तो उसको हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा और रिटर्न्स का इंतजार करना पड़ेगा। अगर हमें उतने पेशेंस है और हमें पैशंस है और हम पैशन है हमारे में कुछ कला है तो उसको दिखाने का एक बहुत जरिया है, तो आप यूट्यूबर ब्लॉगर्स बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत आपका हमारे दर्शकों के साथ में हमसे बात करने के लिए, और आपके भविष्य के लिए हम बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं। नमस्कार।